ये मेरे मामू बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं, लिंक आपको नीचे मिलेगी, इनको जाकर सपोर्ट करें। जजाकल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आप सब की दुआओं से आपका भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अभी मेरे हाथ में ईद के 4 सूट हैं जो कि मैंने जाके दर्जी को देने हैं। 2 सूट मेरे, 2 मुदसर भाई के। अच्छा, अगला सीन ये है कि इन 4 सूट में से ना एक सूट बहुत स्पेशल है जो मुझे बर्थडे पर मिला था, और उसके गले के साथ इस टाइप की ना कढ़ाई है, इधर भी है और मेरे ख्याल में इधर भी होगी, और उसके बटन भी ऑलरेडी लगे हुए हैं। वो सूट मैं सोच रहा हूँ बाज़ार जाके सिलवाएंगे, बाकी 3 सूट जो हैं वो यहीं अपने विलेज की शॉप पे सिलवाते हैं। विलेज की शॉप का ये सीन होता है कि 300 लेते हैं, बाज़ार वाले लेते हैं 600, यही सीन होता है। अभी ये मैंने यहीं से सिलवाया था, फिटिंग देखें कितनी खुली कर दी है इन्होंने, तो कहीं से फिटिंग क्लोज़ कर देंगे, कहीं से ज़्यादा खुली कर देंगे। तो 3 सूट यहीं से सिलाई कराते हैं, क्योंकि हाफ़ प्राइस का डिफरेंस है। सिर्फ एक सूट मैं सिटी से सिलवा लूँगा जो कि मुझे बर्थडे पर रिसीव हुआ था। तो चलते हैं और मिलते हैं वहीं। तो ये रही हमारी विलेज की शॉप्स, अनमोल टेलर। अस्सलाम वालेकुम आवाज़ भाई, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? जमील साहब कैसे हो? राशिद भाई कैसे हो? क्या हो रहा है? YouTube पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? साढ़े 4 बजे मैं घर पहुंचा हूं, दर्जी ने सूट वापस कर दिया, और कहा है कि चांस ही नहीं है कि ईद से पहले हम ये सूट सी सकें, अगर सिलेगा ईद के 5वें दिन हमें आके देना। ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है। और ये सूट मुझे सिटी वाले दर्जी ने वापस किया है, अपना दर्जी फिर भी ये सूट ले लेगा। उसके बाद जी रास्ते से हमें ये इन्विटेशन कार्ड मिला है शादी का, देखते हैं कब शादी है। मोहम्मद सलीम खान चांडिया की जी शादी है, और शादी है 24 जुलाई को। सहरा बंदी 4 बजे शाम, रवानगी बारात 6 बजे शाम, और दावत वलीमा होगा जी 25 जुलाई को, वक्त आम 1 बजे दिन। 1 बजे दिन को हम खाना खाने जाएंगे, और हमें जी इनवाइट किया है उन्होंने रवानगी बारात पे और खाने पे। उसके बाद चाह मिठे वाला पोलट हासी तहसील कुर्दू, ये हमारे घर का एड्रेस है, हमारे घर के पास ही शादी हो रही है सलीम भाई की, 24 जुलाई। तो फिलहाल घर चलते हैं, बिजली नहीं है इसलिए चार पहियाँ बह रखी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, चीते तबीयत चीते? मैं ठीक हूँ, आप सुनो। अरसलान क्या हुआ, बुखार हो गया है? अरसलान को बुखार कब हुआ? अरसलान तो इतनी बुखार थी रोन दिए। बच्चे थोड़ी हो, रोना नहीं है यार, रोना क्यों है तू? परेशान नहीं थी बना? तो अभी जाते हैं दवाई लेके आते हैं, अभी ठीक हो जाओगे, परेशान क्यों हो रहे हो? किस वक्त बुखार हुआ है अब्दुल्ला? सुबह का, मेरे जाने के बाद हुआ था। दवाई नहीं देना ना, इंदा भरा दवाई नहीं देना, माँ दवाई नहीं देना। दवाई हम लेंगे इंशाल्लाह। दवाई कहने की थी अरसलान? आराम नहीं है? कौन सा सिरप पिया था? आराम कह नहीं आया? चलो अभी चलते हैं दवाई लेने, उठ के बैठ जाओ, हिम्मत करो उठ के बैठ जाओ। चलो अभी जाके दवाई ले आते हैं। सुबह जब मैं जा रहा था तबीयत अरसलान की बिल्कुल ठीक थी, पता ही नहीं चलता बच्चों का, ये सारा कुछ गर्मियों की वजह से हो रहा है। बुखार इनको हुआ था तकरीबन 10 बजे, और उल्टियां भी, उल्टी अरसलान कितने बजे आई थी? सुबह 10 बजे से ही उल्टियां और बुखार है। एक ही दिन में हालत देखें कितनी पतली होगी इसकी। शाम को
शाम के टाइम हमारे गांव का व्यू माशाल्लाह। गांव में बेशक फैसिलिटीज कम है लेकिन यहाँ पे खुली फिजा में जीने का मजा ही कुछ और है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भाभी कॉल आई थी, घर में मेरे ससुर के छोटे भाई आए हुए हैं, अभी उनकी तरह मूव होंगे। अरसलान मियाँ को ड्रिप लगी हुई है, हम रात को 8 बजे अरसलान को यहाँ से लेके जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं छोटा लड़का बिठा के जा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है, मैं अपने कज़न को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, एक ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि आजकल भाइयों में फैमिलीज में ऐसा ऐसा प्यार ख़त्म होता जा रहा है। पूरा दिन अरसलान की तबीयत खराब हो रही है, फैमिली वाले उल्टा कहते रहे हैं कि हाँ जी आप मुजम्मिल के साथ होते हो वही आपकी मेडिसिन लेगा। अगर मैं लेट हो जाता फिर क्या होता, मासूम बच्चे हैं, उसकी इतनी तबीयत ख़राब थी। तो अल्लाह पाक साहब को तो फिक्र दे। फिलहाल हम जा रहे हैं घर। बुखार कुछ कम हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद। अच्छा माशाल्लाह, नाइस। ये रहे हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। सॉरी फॉर लेट, मैं हॉस्पिटल गया हुआ था अरसलान को साथ लेके। पता था कि आप बहुत, वो बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा खराब थी। अभी कुछ बेहतर है, उसको ड्रिप लगी हुई है। और आप सुनाए, खाना खा लिया है? नहीं अभी तो खाना है। चलो खाना इंशाल्लाह साथ में ले खाएंगे। पानी पी लिया है? अल्हम्दुलिल्लाह। नसर खान जी, भाइयों से मिले हो? मामान चार गया बेटा मिला रहा बदे। हाँ, साथ विलाग बनाए हैं मुदसर के? अच्छा होगा बना ले तो, बनाए इकट्ठे आपके? आप मुदसर परमिशन देते हो? जबकि अननोन बंदा इनसे कहे ना कि आप विलाग बनाने दें, ये पहले मुझे कॉल करते हैं, बाद में उनसे वीडियो शूट करवाते हैं। ये आजकल हमारे सेलिब्रिटी बने हुए हैं। मुदसर इनके साथ विलाग बना लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है, तो डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, अरसलान भाई की जो ड्रिप है वो ख़त्म हो गई है। सबसे पहले जाके उसको पिक करके घर ले आते हैं, शाम भी होने वाली है, मगरब में कुछ ही टाइम बाकी है। अभी तबीयत पहले से कुछ बेहतर है, स्माइल करो, हंसो थोड़ा सा। एक सिर्फ ये, तीन टाइम दिन में, चार टाइम दिन में, चार टाइम, और ये भी चार टाइम, और ये दूध के साथ पीना है। ठीक है अरसलान, लाल हो जाओगे। अभी मैं वापस आ गया, कोई सही है, ये ड्रिप आ लगी है, कल भी लगेगी। ये सीरा बैकी खीर में खाना है और ये फ्रूट। हाँ जी, फ्रूट आपने खाने हैं। ठीक है अरसलान, अभी तबीयत कैसी है? ठीक है, पक्की बात है, माशाल्लाह। तो आज के विलाग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। तो हमें अच्छा लगता है कि हम अपनी लाइफ की एक एक खुशी हम आप सबसे शेयर करते हैं। तो आज के विलाग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।